ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। जदयू ने उठाया ऐतिहासिक कदम, प्रदेश कमेटी में पहली बार 33% से अधिक महिलाओं को जगह देकर नई टीम की घोषणा कर दिया है। आपको बताते चले कि जदयू प्रदेश कमेटी में पहली बार 33% से अधिक महिलाओं को जगह दी गई है। पार्टी के नई प्रदेश कमेटी के ऐलान करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश की नई टीम में सामाजिक संतुलन बरकरार रखते हुए समाज के हर वर्ग के सदस्यों को पार्टी में जगह दी गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रदेश की नई टीम में 33% से अधिक महिलाओं को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह की प्रेरणा ने पार्टी के नए प्रदेश कमेटी का गठन की गई है। नई टीम में 29 उपाध्यक्ष, 7 महासचिव, 114 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 7 प्रवक्ताओं को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश कमेटी का विस्तार नहीं हो सका था, अब प्रदेश की नई कमेटी का गठन कर दिया गया है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि जदयू की इस पर पूरा भरोसा है और नई टीम पार्टी के मजबूती के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। इस संकल्प के साथ टीम के नई जिम्मेवारी भी दी गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश की नई टीम पार्टी को हर स्तर पर मजबूती प्रदान करने में पूरी ताकत लगा देगी। आने वाले समय में इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश की नई टीम पार्टी के हर स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी और आने वाले समय में जदयू बिहार का नंबर वन पार्टी बनकर दिखाएगी। सुहेली मेहता जी, सम्मानित मंजा सिंह और हमारे पार्टी के पंचायती राज के प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष राधा चरण शाह जी, युवा के सम्मानित अध्यक्ष श्याम पटेल जी और आप उपस्थित मीडिया के सम्मानित साथी, स्वागत है। पार्टी के माननीय नेता, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र बाबू के मार्गदर्शन में जनता दल यूनाइटेड पार्टी देश का पहली ऐसी पार्टी बनी है जिसमें महिलाओं को एक तिहाई से अधिक हिस्सेदारी दी गई है। ये ऐतिहासिक कदम है। अभी तक देश का कोई भी पार्टी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसा कदम किसी ने नहीं उठाया। यह जनता दल यूनाइटेड पार्टी की इच्छा शक्ति है जो 33% से अधिक महिलाओं की भागीदारी, संगठन में हिस्सेदारी दी गई। यह अनोखी पेश है। हमारी पार्टी के नेता समाज के हर तबकों को लेकर, समाज के हर वर्गों को एक साथ लेकर बिहार के विकास में, बिहार के विकास के लिए संकल्पित हैं। इसी दिशा में हमने भी पार्टी के समाज के सभी वर्गों को हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व दिया गया है। आप प्रेस के बंधुओं से के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी पार्टी एक नंबर का दर्जा प्राप्त करेगी और जो हम पार्टी की नई कमेटी का गठन किया है, निश्चित तौर पर हमारी जो नई कमेटी है ये नई ऊर्जा उत्साह जोश के साथ बिहार के विकास के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और आपको मैं ये भी बताऊं कि जुलाई में पार्टी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के फंड में जो भी कुछ होगा पार्टी के फंड में जमा करेंगे। उसके लिए भी हम
विशेष अभियान चलाएंगे। अभी कोरोना काल जो प्राकृतिक आपदा विपदा है, इस विपदा की घड़ी में हमारी पार्टी की नई टीम जो गठन किया गया है, ये हर लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ तीसरी लहर जो आशंका व्यक्त किया जा रहा है कोरोना काल का, उसकी रोकथाम के लिए काम करेगी। इन्हीं जन सबों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पेट्रोल और महंगाई के लेकर जो विपक्षी नेता जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो अपने आप को अर्थशास्त्री का महान ज्ञानी बता रहे हैं। जनता जो है उनकी ऐसे बातों को अनदेखी कर रही है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो कमेटी का गठन किया गया है, ये पहली बार देश में जो है एक तिहाई से अधिक महिलाओं का गठन, इसमें भूमिका दी गई है, हिस्सेदारी दी गई है, और युवाओं का भी, अब देखेंगे कमेटी तो युवाओं को भी प्राथमिकता दी गई और समाज के हर तबके को प्राथमिकता दिया गया। ये तो केंद्र की पॉलिसी की बात है, महंगाई पर जो होता है केंद्र की पॉलिसी है, इस पर हम अभी कमेंट नहीं करेंगे, और जब हम उसको देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उस पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। सर, हमारे संज्ञान में ऐसी बात नहीं है, हम उसको देखेंगे तो उस पर व्यक्त करेंगे अपनी प्रक्रिया। अभी तो हम संगठन के मजबूती के लिए, धारदार बनाने के लिए जो हमने कमेटी का गठन किया है, इसके लिए आप सब को बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में सर एक मुद्दा उठ गया है बच्चों को लेकर, एक ही बच्चा हो जिसकी मांग हो, बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने करते हैं, गिरिराज सिंह ने किया, उसको लेकर क्या कहती है बच्चे के लिए? हम अपने पार्टी में ही इस मुद्दा को रखेंगे, और हमारा जो पॉलिसी, जो हमारा कैबिनेट है, जो हमारे कर्मकर्मी हैं, जो उस पर निर्णय होगा, हम लोग उस पर व्यक्त करेंगे, उस पर अपना स्पष्ट। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि कोरोना जो महामारी है, इसमें बचने का एक ही मात्र उपाय है वैक्सीन। तो इसमें हम लोग विधानसभा के सदस्य हैं, ये तो हम कहेंगे कि तमाम जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को जागरूकता फैलाकर इस संदेश को देना चाहिए, मैसेज को देना चाहिए, कि जब प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सभी लोग, जब विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, सभी लोग ले रहे हैं टीका, तो हम सभी को लेना चाहिए। क्या आपका प्रश्न? जन विपक्ष के बेबुनियादी बेमतलब के क्वेश्चन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। धन्यवाद। ये हमारी कमेटी है।